मुंबई में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में बारिश के पानी ने सिर्फ सड़कों को ही अपने कब्जे में नहीं लिया बल्कि घरों में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है और जो जरूरत के सामान है वो देखिए किस तरह से पानी में तैर रहे हैं। ये देखिए बच्चे पानी में चलने को मजबूर है। घर पूरी तरह से जो तालाब है उसमें तब्दील हो चुका है। कल शाम से मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में चल रही तेज बारिश का कहर अब भी जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सायन इलाके में, नायक नगर जो है वहां पर, जहां आपको दिखाई दे सकता है कि यहाँ पर लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि लगातार तेज चल रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। इसीलिए परिवार अपने बाकी सदस्य को लेकर जो है वो घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सर पर तेज बारिश है, पानी जो है वो भरता जा रहा है। इसको लेकर डर के मारे लोग जो है वो घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि घरों में इस कदर पानी घुसा है कि घर की शक्ल जो है वो तालाब की तरह हो गई है। हम जाएंगे लोगों के घर में और देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इतना डरावना माहौल है कि मुझे खुद जाने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ पर ये घर है मुंबई के लोगों का। जब पानी भर जाता है, तेज बारिश होती है, ये हालत होती है मुंबई के लोगों के घरों की। आंटी जी क्या बताना चाहेंगे कि कब से पानी भर रहा है और कितने घंटों से आप बाहर हो? दो रोज से। दो दिन से बाहर? हाँ, दो दिन से बाहर। तो खाना हमने तो देखा, आप देख सकते कि मतलब सब पूरा बाहर जो है वो सिलेंडर वगैरह हम आपको दिखा दें कि इस कदर जो है घर का सामान बिखरा हुआ है। दो दिनों से ये लोग सोए नहीं है। भैया क्या बताएंगे कि किस तरह से घर चल रहा है? घर में पानी तो घुसता जा रहा है? पानी घुसते ही जा रहा है, कल से पानी बहुत भरा हुआ है यहाँ पे। समस्या रात भर पूरा ऐसे जगते जगते हो गया। कल भी थोड़ा रुका था, थोड़ा लगा उतरे उतरेगा थोड़ा देर के लिए, एक दो घंटा उतरा वापिस, 5-6-3 बजे से हम लोग जगह बैठे हुए हैं, उन्हें पूरी रात हो गया, अभी सोए भी नहीं है। बच्चों को कहीं भी घर खाली करके शिफ्ट कर दिए हैं, क्या करेंगे, जान बचाएंगे बच्चों लोग? तो अभी पानी चढ़ता जा रहा है? कम चढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, पानी और बढ़ते ही जा रहा है। बारिश भी रुकेगा तो पानी और ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहा है। गटर जो है ना पानी नहीं ले रहा, सब बाहर आ रहा है। तो आपने बीएमसी या किसी प्रशासन को बोला? कोई भी नहीं आता है, ना बीएमसी आती, कोई भी नहीं आता है। सूखा भी रहेगा तो भी नहीं आएगा, पानी तो छोड़ो है भरने के बाद में, आम दिनों में भी बीएमसी नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक घर का माहौल है। जब पानी भरता है सर पर, जो एक छत होती है जहाँ पर हम एक सुरक्षा महसूस करते हैं, वहाँ ऐसा हाल है मुंबई करों का। आंटी जी दो दिन से आप सोए नहीं हो, लगातार जो है काम करते जा रहे हो, किस कदर अभी मतलब बाकी सारा काम कैसे कर पा रहे हो? दो दिन से तो खड़े ही हो। कुछ नहीं कर पा रहे, पानी के बिना कुछ नहीं कर पा रहे, कितना पानी भरा है। भैया आप बताइए कि ये घर मतलब पूरा तालाबी हो गया है, तो कैसे अभी काम पर कैसे जा रहे हो, या आपके जो बच्चे रहेंगे, बाकी परिवार महिलाएं रहेंगे, कैसे उनकी सुरक्षा कैसे देते हो उनको? सुरक्षा क्या देंगे, काम पे क्या जाएंगे? वैसे भी रेलवे का तो उधर भी पानी भर गया, तो रेलवे भी बंद ही है, तो काम की तो कुछ बात ही नहीं है। यहाँ पे परेशानी इतनी ज़्यादा है, काम की क्या फिक्र करेंगे, अपने परिवार की फिक्र ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ मदद मिल रही है आपको? मदद कोई तरह की तो नहीं मिल रही है, अपनी मदद अपन एक दूसरे की खुद कर रहे जितना हो सकता है। और मुंबई में लगातार बारिश के बाद ना सिर्फ घरों में पानी समा रहा है बल्कि हार्बर ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से चूना भट्टी में भी रेलवे की पटरियां पूरी तरह से डूबी हुई है और हार्बर रूट की सभी लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। पटरियां पानी में डूब चुकी है और ना सिर्फ हार्बर ट्रैक पर बल्कि सेंट्रल रूट पर भी लोकल ट्रेनें पूरी तरह से रोक दी गई है। लगातार बारिश के बाद पटरियां बारिश के पानी में डूब चुकी है और ऐसे में किसी भी दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर रेलवे ने अपनी लोकल ट्रेनें रोक दी है, हार्बर ट्रैक पर भी और सेंट्रल रूट पर भी। लगातार बारिश के बाद जहां मकानों में पानी घुस चुका है, वहीं चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आप देखिए। मुंबई के सेंट्रल रूट पर चूना भट्टी रेलवे स्टेशन का ये हाल है। कल शाम से मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज बारिश चल रही है। इस वक्त भी ये बारिश लगातार जारी है और हम खड़े हैं मुंबई के हार्बर लाइन में, जहां आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर पानी आ चुका है, पानी भर चुका है, जिसके चलते हार्बर ट्रेन जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर इस कदर पानी भर गया है कि रेलवे ट्रैक यहाँ पर है, ये पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो रेलवे की राह देख रहे हैं, उनसे जाने की कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मैडम कहाँ जाना है आपको और कितनी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है? विरार जाना है। हाँ। विरार जाना है। विरार और कितने देर टाइम से खड़े हो आप लोग? मुझे तो लगभग आधा घंटा से ज्यादा हो गया। कोई सूचना अनाउंसमेंट हो रही है? हाँ, अनाउंसमेंट अभी हो रही है, हो रही है, हो रही है अनाउंसमेंट। देखिए, रेल यात्री जो यात्रा करने के लिए बैग वगैरह लेकर आए, संडे का दिन है, लोग बाहर वगैरह जाते हैं, कब से आप यहाँ पर खड़े हो और कौन सी ट्रेन का राह देख रहे हो? मैम, मैं आधे घंटे से यहाँ पर ट्रेन पर राह देख रहा हूँ। मुझको जाना है सोलापुर को अभी। अच्छा। हाँ, सोलापुर को जाना है मुझको। मैं इधर से देख रहा हूँ लेकिन ट्रेन नहीं है, बारिश की वजह से ट्रेन नहीं है। तो अभी रेलवे ट्रैक पर पटरी पर तो पानी आ गया, तो सूचना मिल रही है समय पर कब ट्रेन शुरू होगी? हाँ, मिल रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पानी है, रेलवे सूचना तो दे रही है लेकिन पानी अब बारिश बंद होने के बाद रेलवे चालू होगा। मैडम, बैग लेकर आप कहीं जा रहे हो, अब तो ट्रेन मिलना मुश्किल लग रहा है, कैसे जाओगे अभी आप? अब पता नहीं, पर जब ट्रेन चालू होगी तब जाएंगे हम। कितनी देर से टाइम का मतलब कितनी देर से वेट कर रहे हैं? आधे घंटे से। आधे घंटे से खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। पटरी पर पानी है? हाँ, पानी है, बहुत सारा पानी है बारिश की वजह से। तो अभी जा पाओगे? पता नहीं। और ऑप्शन ढूंढा है, मतलब बस से या ऑटो से, कैसे जाओगे अभी? टैक्सी से जाएंगे हम, सीएसटी जाएंगे, सीएसटी से उधर सोलापुर जाने। सोलापुर आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं जो वो पकड़नी होती है। रेलवे के लिए लोग जो है वो अपना वेट कर रहे हैं और यहाँ पर रेलवे पटरी पर जो है वो पूरी तरह से पानी आ चुका है। समय समय पर सूचना जो है वो दी जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि सूचना सिर्फ जो ट्रेन रद्द की गई है उसकी दी जा रही है। ट्रेनें कब तक शुरू होंगी इसकी सूचना अब तक रेलवे नहीं दे पा रही है। लगातार तेज बारिश चल रही है और रेलवे ट्रैक पर पानी आ चुका है, जिसके चलते मुंबई की लाइफलाइन मानने जाने वाली लोकल ट्रेन पर उसका काफी और भारी असर देखने को मिल रहा है। ओरिजिनल सेना के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। तो वहीं मुंबई सुबह से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से एलवीएस मार्ग की सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। कल शाम से मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज बारिश का कहर अब भी जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के एलवीएस मार्ग पर, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर इस कदर पानी छाया हुआ है कि सड़क ने जो है वो तालाब की शक्ल हासिल की है। यहां पर सड़क पर पानी होने के बावजूद गाड़ियों का आवागमन अब भी जारी है। सड़क पर जो है वो काफी हद तक लोग जो है वो बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के घर तक जो है पानी अंदर तक घुस चुका है। हम आपको बता दें कि एलवीएस जो ये सड़क आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये सड़क जो है वो थाने से सीएसटी को जोड़ती है। ये हमेशा से ही ट्रैफिक से भरी होती है, लेकिन आज रविवार का दिन है, लोग जो है सिर्फ काम के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी इस सड़क पर उस हिसाब से काफ़ी कम ट्रैफिक है, लेकिन लोग जो है अपने घरों से, यहाँ रहने वाले लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी वाटर पंपिंग नहीं दिखाई दे रहा है, पानी निकास जो है वो नहीं हो रहा है। अगले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में इसी तरह से लगातार तेज बारिश जारी रहेगी, जिसकी वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी जो है वो इसी तरह से देखने को मिल सकता है। ब्रिजेश विनायक के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। तो मुंबई में चूना भट्टी हार्बर लाइन पर मौजूद है, रेलवे की पटरियां पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। बारिश लगातार मुंबई में हो रही है और ऐसे में मुंबई से लगे हुए कुछ और उपनगर चेंबूर और नालासोपारा की भी ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नालासोपारा में भी सड़कें अब तालाब में तब्दील हो चुकी है, छोटी गाड़ियां इस पर नहीं चल पा रही है, सिर्फ बड़े वाहन ही गुजर पा रहे हैं और रिहायशी इलाकों में ये पानी दाखिल हो चुका है, छोटे मकानों तक ये पानी चला गया है। रेलवे स्टेशन के नजदीक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा चेंबूर की भी तस्वीर आप देखिए, जहां सरकारी दफ्तरों में, मकानों में ये पानी दाखिल हो चुका है। लगातार बारिश के बाद मुंबई के कुछ उपनगरीय इलाकों का ये हाल है। नालासोपारा और चेंबूर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सड़क तालाब में तब्दील है, गाड़ियों को आगे बढ़ाना इस सड़कों पर मुश्किल होता जा रहा है। वहीं नालासोपारा में सरकारी दफ्तरों और घरों में भी ये पानी दाखिल हो चुका है। स्टेशन के बाहर की ही रोड पूरी तरह से डूब चुकी है, रेलवे की पटरियां पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। ऐसे में हार्बर लाइन पर भी लोकल ट्रेन रोक दी गई है, साथ ही सेंट्रल रूट पर चलने वाली लोकल सेवा भी पूरी तरह से फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि पटरियां पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। नालासोपारा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना सिर्फ रेलवे की पटरियां डूबी है बल्कि सड़कों पर खड़ी कई बाइक भी डूबी नजर आ रही है। कुछ बड़ी गाड़ियों को लोग सड़क के किनारे लगाकर पैदल रास्ता तय करने के लिए मजबूर है।
मुंबई के सायन में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। वहीं मुंबई के भांडुप में भी भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई की सायन की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों की मकानों दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है और सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। यहां तक कि ये गाड़ियां जो हैं वो भी पानी में जलमग्न हो गई हैं। ये तस्वीर हम आपको मुंबई के भांडुप की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क के पहिए जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में लगातार मानसून से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और रोजाना इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर मुंबई वासियों को बारिश के चलते खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद इस तरह से बुरा हाल नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। नासिक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नासिक एक प्रमुख पर्यटक स्थल और धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की नगरी, लेकिन यहाँ से बहने वाली गोदावरी नदी किस तरह से उफान पर है, कई घाटों को अपनी चपेट में ले चुकी है। नासिक जिसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, तकरीबन 48 प्रमुख मंदिर यहाँ पर हैं, कई आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दे रहे हैं। मारुति मंदिर यहाँ आधे से ज्यादा डूब चुका है। कई प्रमुख घाट नासिक के डूबे हुए हैं। गोदावरी का ये पानी जो त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से उतरता हुआ नासिक से आगे बढ़ता है, महाराष्ट्र और खासतौर पर मराठवाड़ा की जीवनदायिनी नदी गोदावरी जिसे माना जाता है, अब वो उफान पर है और आसपास के इलाकों में लगातार अपनी चपेट में लेती चली जा रही है। खासतौर पर नासिक के जिले में ही मौजूद त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सावन के महीने में खासतौर पर यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में सावन के इस महीने में जबकि लगातार बारिश के बाद इसी त्र्यंबकेश्वर के नजदीक से निकलने वाली गोदावरी नदी उफान पर है, अब लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन चुकी है। आसपास के इलाके जहां बड़ी तादाद में मंदिर हैं आधे से ज्यादा डूबे नजर आ रहे हैं और गोदावरी का ये पानी लगातार रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। प्रमुख घाट और मंदिर पूरी तरह से गोदावरी के इस उफान में जलमग्न नजर आ रहे हैं। नासिक के बाद अब हम आपको पालघर की तस्वीर दिखाते हैं। पालघर में सूर्या नदी पर बने धामणी डैम से 42,500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को गांव खाली करने के लिए भी कहा गया है। पालघर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सूर्या नदी पर धामणी डैम से 42,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और खासकर जो निचले इलाके हैं उसमें ये पानी घुस गया है। और पालघर के अलावा पुणे और आसपास के इलाकों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आखिरकार एनडीआरएफ की टीम इनके मदद के लिए पहुंच रही है और तब लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पुणे के आसपास कामशेड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बारिश के बाद किस तरह से ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। मकानों में सरकारी दफ्तरों में पानी दाखिल हो चुका है और एक ही परिवार के 7 लोग इस मकान में फंस चुके थे। एनडीआरएफ की टीम फिर यहां पर पहुंची और बोट के जरिए इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सूचना मिली थी 7:20 पे ये फंसे हुए थे, उसके बाद एनडीआरएफ टीम तलेगांव सदुमरे से आई और आने के बाद में हमने वहाँ मकान में जाके इन लोगों को बोट के द्वारा रेस्क्यू किया। इनको हमने पहले फ़ोन भी किया तो बोले कि हमें कोई डर नहीं है लेकिन आप जल्दी पहुँचिए, बड़ा थोड़ा सा वो था। उसके बाद हमारी टीम पहुँची और तहसीलदार और PS जो यहाँ के लोकल पुलिस थे वो हमें रेप के द्वारा यहाँ पहुँचाए, उसके बाद हमने रेस्क्यू वर्क किया। महाराष्ट्र के बाद अब आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश की वजह से इलाके डूब गए हैं। बारिश का पानी इतनी तेजी से इलाके में बहने लगा जिससे कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक आदमी पानी में बह गया, जिसको इलाके के लोगों ने किसी तरह से बचा लिया।
गुजरात के छोटापुर छोटा उदयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी का बहाव देखिए कि कितना तेज था कि उसमें एक शख्स बहता चला गया, लेकिन जो उसके आसपास लोग थे उन्होंने समझदारी से काम लिया और उस आदमी को बहने से बचा लिया। गुजरात के छोटा उदयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी के बहाव का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक शख्स खड़े खड़े उसमें बह गया और लोगों ने उसकी मदद की और उसको बहाव से सुरक्षित बचा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शख्स की जान बाल बाल बच गई क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसमें बहता चला गया, लेकिन उसके आसपास जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने समझदारी और सतर्कता के साथ काम लिया और उस शख्स को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के छोटा उदयपुर की। लगातार बारिश का कहर जारी है, कई इलाके डूब गए हैं और सबसे ज्यादा लोग बारिश की मार झेल रहे हैं और उसी की एक तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से तीन लोग इस शख्स को पानी के तेज बहाव से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। ये सड़क का मंजर आप देख सकते हैं, ये सड़क किसी उफनती हुई नदी के समान यहाँ पर नजर आ रही है और उसमें ये शख्स बहते बहते बच गया। छोटा उदयपुर गुजरात का ये मामला है जहाँ पर इस शख्स को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। पुणे और उसके आसपास के इलाकों में भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। यहाँ नीरा नदी उफान पर है और दिक्कत तब और ज्यादा बढ़ गई जहाँ नीरा नदी पर बने डैम के लबालब भर जाने के बाद 60,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी इसका छोड़ना पड़ा है और फिर ये पानी उतरता हुआ रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ। लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। पुणे और आसपास के इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है और बारामती के इलाकों में खासतौर पर इसका प्रभाव माना जा सकता है, जहां लोगों को अलर्ट किया गया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है जो लोलाइन इलाकों में है। नीरा नदी उफान पर है और इसी पर बने डैम के लबालब भर जाने के बाद इसके कुछ दरवाजे भी खोलने पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ नीरा नदी पर बने डैम का पानी छोड़ना पड़ा है और इसमें कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं, कई पुल डूब चुके हैं। 60,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी नीरा नदी पर बने इस डैम से छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कई इमारतें आधी से ज्यादा डूब चुकी है। पुणे के नजदीकी बारामती और उसके आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और इस इलाके के कई गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से कह दिया गया है कि वो एहतियात बरतें और नदी के किनारों से दूर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। जहां जरूरत पड़ रही है प्रशासन का अमला पहुंच रहा है, SDRF NDRF की मदद भी ली जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। और अब आपको गुजरात के नवसारी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दो दिन से जारी भारी बारिश से अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में तूफान को देखते हुए प्रशासन ने 250 लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया है। लोगों को फिलहाल नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। 40 गांवों को अलर्ट किया गया है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश जारी है और अंबिका नदी अब का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी पूरे उफान पर है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। लोगों को फिलहाल ये निर्देश दिया गया है कि वो नदी से दूर रहें, उसके पास ना जाएं। 40 गांव ऐसे हैं जहां पर अलर्ट भी किया गया है कि वो नदी के पास ना रहें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लेकिन दक्षिण गुजरात के वलसाड़ में भी बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर औरंगा नदी जो उफान पर है उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वलसाड़ की, जहां औरंगा नदी के उफान पर आने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में इसका पानी दाखिल हो चुका है। निचले इलाके में लोगों की दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। नदी के किनारे के इलाके में लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है ताकि वो किसी सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ जाए। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश के बाद
बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन वलसाड़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। औरंगा नदी जहां पर उफान पर है और इसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव के लोग इससे परेशान हैं। खासतौर पर दूर दूर तक खड़ी फसल भी इस पानी की वजह से बर्बाद होती जा रही है। गाँव में औरंगा नदी का पानी दाखिल होता जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ना पड़ रहा है। वलसाड के बाद अब आप वडोदरा की हैरान करने वाली ये तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के साथ मगरमच्छों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। वहां एक रिहायशी इलाके में पानी के साथ करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ भी घुस गया, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दहशत के बीच राहत और बचाव दल की टीम मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वहां पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया गया। इस दौरान अपने अपने घरों की छत से लोग इस पूरे ऑपरेशन को देखते हुए नजर आए। गुजरात के वडोदरा का ये मामला है, जहां पर पानी के तेज बहाव के साथ ये मगरमच्छ वहां पर घुस आया। इस मगरमच्छ की लंबाई 10 फीट बताई गई है और बचाव दल यहां पर पहुंचा और उसके बाद काफी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को यहां से वो लेके गए। पूरे इलाके में इस मगरमच्छ को देखने के बाद हड़कंप मच गया और लोग घरों की छतों पर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे कि किस तरह से एक सोसाइटी जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर ये 10 फीट लंबा मगरमच्छ पानी के बहाव के साथ बहता हुआ आ गया। गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सागर भी इन्हीं में से एक है, जहां लगातार बारिश हो रही है और आसपास की नदियां उफान पर है और लोगों की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि 3 से 4 नदियों से घिरा कुछ इलाका पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सागर जिले की, जहां पर जरुआ खेड़ा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी समा गया है और यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये वो केंद्र है जहां लोग बीमार होने के बाद स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां बुरी तरह से पानी समाया हुआ है। छोटे मकान तो आधे से ज्यादा डूबे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में, छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में और कई रिहायशी इलाकों में ये पानी दाखिल हो चुका है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। सागर और आसपास की 3-4 नदियां लगातार बारिश के बाद उफान पर है और ऐसे में जरुआ खेड़ा और आसपास के कुछ कस्बे पूरी तरह से टापू में भी तब्दील हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। गादीरास के पास सड़क पर बना एक पुल बारिश के बाढ़ से पानी में डूब गया। मलगेर नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है। सेना के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा की दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया गया। गादीरास के पास सड़क पर बना पुल बारिश के बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गया और ये नदी मलगेर नदी है, जिसका जल स्तर बारिश की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है और सेना के जवानों ने जो लोग बाढ़ में फंस गए थे उनको रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश के बाद दिक्कत सबसे ज्यादा बढ़ी थी बिहार में और यहां का दरभंगा अब तक उबरता नजर नहीं आ रहा है। दरभंगा में आसपास लगातार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है और रिहायशी इलाकों में दाखिल पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरभंगा में आसपास के तकरीबन 17 ऐसे ब्लॉक हैं जिसके 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस साल के शुरुआती बरसात में ही सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़नी शुरू हुई थी बिहार में बारिश की वजह से और दरभंगा बिहार का वही जिला है जहां लगातार इस बारिश और बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और अब आपको गुजरात के वडोदरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर एक सांप बाढ़ के पानी में मगरमच्छ से जान बचाता हुआ नजर आया। जिस वक्त सांप पानी में आगे की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान मगरमच्छ उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन सांप किसी तरह से आगे भागने में कामयाब रहा। ये देखिए बाढ़ में किस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। ये देखिए अपने आप में एक अलग ही तस्वीर है, जहां पर मगरमच्छ सांप के पीछे उसका शिकार करने के लिए लगा हुआ था, लेकिन सांप मगरमच्छ को देखते ही वहां से
आगे बढ़ गया और अपनी जान बचाता हुआ दिखाई दिया। जिस वक्त सांप पानी में आगे की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान मगरमच्छ उसका पीछा करते हुए हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन सांप किसी तरह से आगे निकलने में और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। गुजरात के वडोदरा की ये हैरतअंगेज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस मौसम में और किस तरह से अलग अलग परेशानियां लोगों को आ रही है, ये तस्वीर उत्तराखंड की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ी ही मजबूरी में एक संकरे रास्ते को रस्सी के सहारे लोग पार करने के लिए मजबूर हैं। नजंग और मालपा के बीच का ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ऐसा ही संकरा रास्ता है, बेहद जानलेवा ये रास्ता है। और इसी रास्ते के नीचे गहरी खाई भी है, जहां उफान पर नदी कितना विकराल रूप धारण कर सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र गुंजी तक पहुंचने के लिए यही एक रास्ता भी है, लेकिन ये बेहद खतरनाक संकरा रास्ता, जब एक बार में रस्सी के सहारे महज एक शख्स ही इस रास्ते को पार कर सकता है। जान जोखिम में डालकर भी लोग इस रास्ते को पार करने के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी से आगे एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की जगह, जहां हर साल मेला भी लगता है और इसी रास्ते से होकर लोग वहां तक पहुंचते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये खौफनाक तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं बिहार का समस्तीपुर जिला बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। 24 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। समस्तीपुर में बारिश और बाढ़ से कई नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद नदी का पानी कई गांवों को अपने कब्जे में ले चुका है। इलाके में पानी इस कदर भर चुका है कि लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ में सड़क भी टूट गई है, जिसमें लोग फंसे दिखाई दिए। पच्चीस दिन पहले से यहाँ गांव में पूरा पानी भरा हुआ है। उसके बाद मतलब यहाँ न कोई खाने का सामान, न पीने का सामान आज तक कुछ भी नहीं पहुँचाया गया है। और पानी में जितना सबका घर टूट गया, हम लड़कियाँ महिला सब मिलके कुछ जीने के लिए यहाँ बना रहे हैं। हाँ, आप लोग मिट्टी लेके जा रही हैं? हाँ, मिट्टी लेके जा रहे हैं नाव पे, वहाँ मतलब घर यही मिट्टी से कुछ रहने के लिए बना लेंगे। नाव का रोड टूटा हुआ? हाँ, टूटा हुआ है। आप लोग खुद से ही रोड बना रहे हैं? हाँ, खुद से बना रहे हैं हम लोग। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं? नहीं, कुछ नहीं आया है। सरकार की तरफ से वही 6,000 ही मिलता है और कुछ नहीं। मकान टूट जाए, कुछ भी हो जाए? कुछ भी नहीं, कुछ भी। 6,000 रुपए मिलता है। मकान बनाने के लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। अधिकारी नेता लोग नहीं आया? कोई नहीं आया है। कहाँ आया? आता तो यही दशा रहता। हम लोग हेल करके माल को चारा लाते हैं, सब कुछ करते हैं। हर साल आप लोग के गाँव में यही होता है? हर साल मान लीजिए देखिए, साले साले तो आता है, लेकिन कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ नहीं, इस साल कुछ नहीं मिला है। मात्र पानी भेजता है और डब्बा मर के पानी पी करके क्या होगा? हम देखे कि लोग खुद से ला रहे हैं, बोरा ला रहे हैं नाव पे। कुछ नहीं, खुद से ही आप लोग सड़क भी बना रहे हैं? हाँ, बोरा में माटी भर भर के वहाँ से लाता है और जहाँ जहाँ टूटता है वहाँ वहाँ बैठाता है। गांव के लोग मिलजुल करते हैं, नए गांव का अति करेगा तो कुछ नहीं, आदमी भी बचेगा नहीं। और महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। पुणे और आसपास की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरह से लोग बेहाल हैं। सीने से ऊपर तक पानी यहां रिहायशी इलाकों में आ चुका है। कामशेट और आसपास के इलाकों की ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल पुणे के नज़दीक ही नीरा नदी भी उफान पर है और इसी पर बना एक डैम लगातार लबालब भरने के बाद इससे अब कई दरवाजे खोले गए और 60,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी यहां से छोड़ दिया गया, जो रिहायशी इलाकों में तक दाखिल हो चुका है। पुणे बारामती के आसपास के इलाकों में गाँव का क्या हाल है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाइए। छोटे मकान आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। सीने से ऊपर तक के पानी में लोग रास्ता क्रॉस करने के लिए मजबूर हैं। अपने मवेशियों को बचाने के लिए लोग सड़क के दोनों ओर रस्सी बांध रहे हैं, ताकि उसके किनारे किनारे सहारा लेकर अपने मवेशियों को भी जिंदा दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सके। और इंसानों को बचाने के लिए भी कोई यही कवायद हो रही है। पुणे और आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है और लोगों की ही नहीं बल्कि मवेशियों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं।